के ओवर फीडिंग की वजह से कबूतर बीमार हो जाते हैं, उल्टी करना शुरू कर देते हैं। इनको ओवर फीडिंग से बचाना है आपने। ये टोटल चार पीस हैं और चारों को इंशाल्लाह मैं अभी आपको हैंड फीड करवा के दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सैयद जनान अली बुखारी और आप देख रहे हैं यूनिक बर्ड इन्फो। सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो टिगन की हैंड फिट, बच्चों को कैसे हैंड फिट करवानी है उसकी ऑलरेडी मेरी एक वीडियो अपलोडेड है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। जिनके पास टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है ना, उनके लिए परेशानी है। तो आपके लिए एक एडवांस लेवल की वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको टिगन को जस्ट फ्यू मिनट्स के अंदर हैंड फिट करवा के दिखाऊँगा और उससे परिंदों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, सेहत भी अच्छी होगी, उनमें कोई कमी बेशी नहीं रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। ये टोटल चार पीस हैं और चारों को इंशाल्लाह मैं अभी आपको हैंड फीड करवा के दिखाता हूँ। एक ये है जी, एक ये मशरब ब्लैक टेल है ये वाला, और एक ये भी ब्लैक टेल का, ये देखें बच्चा है, और साथ ही ये मॉडर्न का, ये देखें ये मशरब, चारों अभी आपको इंशाल्लाह ताला हैंड फीड करवा के दिखाते हैं जस्ट फ्यू मिनट के अंदर। इंशाल्लाह ताला इनकी हेल्थ देखें, मशरब बेहतरीन सेहत है इनकी, ये देखें। सबसे पहले एक ऐसे बर्तन में पानी ले लेना है, ये साफ सादा फ्रेश वाटर है। एक आपने ऐसे खाली छन्नी ले लेनी है, ठीक है जी, खाली छन्नी, और उसके बाद आपने लेनी है जी, ये देखें ये जी, ये ग्रोथ वाली फीड है। अभी इसका नंबर नहीं मुझे याद, ये 13 नंबर होती है कि 14 नंबर होती है, बड़ा आप ये बताएंगे कि जी हमें ग्रोथ वाली फीड चाहिए तो दुकानदार आपको दे देगा। आपने करना क्या है कि ये देखें, ये एक मुट्ठी ऐसे डालिए और थोड़ी सी ऊपर अमोर डाल देते हैं। आपने करना क्या है कि इसके अंदर जब आपने ये फीड मिक्स करनी है ना, तो इसको ऐसे डाल के आपने कुछ देर के लिए इसको इसके अंदर भिगा रहने देना है। उससे ये होगा कि अगर आप ये डायरेक्ट फीड खिलाएंगे ना परिंदे को, तो ये पोट के अंदर जाके सारा पानी जज़ब कर लेती है और उससे इसका पोट जाम हो जाता है। ये देखिए, ये आस्ता आस्ता ये सारा पानी चूस लेगी, अपने अंदर जज़ब कर लेगी। जब इसके अंदर पानी जज़ब हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और मिक्स करेंगे, तो आगे वाला स्टेप फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसने पानी जज़ब कर लिया अपने अंदर सारा जितना भी हमने डाला था। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और मज़ीद मिक्स करेंगे ताकि परिंदों को पानी की कमी ना हो, क्योंकि इनको फीड के साथ साथ पानी भी चाहिए होता है। ये देखें, ये ऐसे बिल्कुल लिक्विड बन गया, ये देखें ऐसे। जब इस शेप में ये तैयार हो जाए तो आपने फिर इनको हैंड फीड करवानी है। अभी मैं आपको करवा के दिखाता हूँ, उसके लिए हमें दो तीन चीज़ें रिक्वायर हैं। ये एक ऑयल वाली बोतल होती है जो मैं बाज़ार से ख़रीद के लाया हूँ, ये 25 रुपए की आई है। ये बर्ड फीडर मैंने वैसे बाज़ार से पता किया था, वो 500 रुपए का दे रहे हैं, तो हमने क्या किया, ये देखिए, ये इसको पहचानते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये समझते हैं हम उस, इनको पता कि मुझे इनसे फीड मिलनी है, ये इसको अपनी माँ समझ रहे हैं। तो ये बाज़ार से 25 रुपये का आया है, ये ऊपर से रख के मैंने यहाँ से इसको काट के अच्छी तरह से, ये ऊपर जो रेशे वगैरह है ना, ये मैंने दीवार के साथ रगड़ के सॉफ्ट कर लिए थे, रेगमाल नहीं था मेरे पास। तो ये देखें, ये इसको, इनको पता है कि ये इनकी, इसको ही अपनी माँ समझ रही है, ये देखें, ये देखें। तो ये बेहतरीन जुगाड़ है जी, मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे इनको फीड करवानी है। ये देखें, ये बिल्कुल लिक्विड शेप में बन गया हुआ है, ठीक हो गया। अब ये इसके अंदर ऐसे ये कुप्पी लगा के, ठीक है, हम इसको, मुझे अंदाज़ा है कि एक कबूतर को कितनी खिलानी है, मैं उस हिसाब से इसको ऐसे मिक्स कर लिया। ये मिक्स करने के बाद ये इसके अंदर ये ऐसे डाल दी, ठीक हो गया जी, बिल्कुल जी। इसमें से थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, हाँ, इसको ऐसे बंद करके, ये देखिए ऐसे कबूतर को पकड़ के, ये देखिए ये इसके मुंह में डाला, मुंह में डाल के, ये जी ये माशाल्लाह हैंड फीड हो गई इसको। अब इसी तरह हम दूसरे को भी कराएंगे, फिर इसको ऊपर लगा के अंदाजे के साथ जितनी इसको फीड रिक्वायर है हम डालते ही उतनी है, ताकि ओवर फीडिंग की वजह से
कबूतर बीमार हो जाते हैं, उल्टी करना शुरू कर देते हैं। इनको ओवर फीडिंग से बचाना है आपने। फीड उतनी करवानी है जितनी इनको ज़रूरत है, और दो टाइम फीड करवानी है सुबह और शाम। उससे ज़्यादा आपने इनको फीड नहीं करवानी। इससे ज़्यादा फीड करवाएंगे तो इनके लिए नुकसानदेह है। इसको ऐसे हिला के ये ऐसे मुँह में डाला, ये ले जी, इसको भी माशाल्लाह ये फीड हो गई है। ये इनके क्रोप देखें ज़रा, ये देखें माशाल्लाह फुल। इसको भी दिखाएं ज़रा, ये भी देखें, ये भी माशाल्लाह फुल है। इसके मुंह में डाल के हल्का सा, ये देखें, चलो जी, ये देखें, ये माशाल्लाह कोटा इसका अभी थोड़ी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले इसको खिला लेते हैं, बाद में उसको थोड़ी और खिला देंगे हम। मकई का दाना इसके अंदर आ गया। अच्छा भी अच्छा डाल के, चलो जी, चलो इसको खिला दिया, ये रह गया जी। अच्छा भी तू भी अच्छा, इसकी थोड़ी कम है। अजय अजय अजय, इसको भी ऐसे मुँह में डाल के, चलो जी, ये देखें माशाल्लाह, ये इसका क्रॉप देखें माशाल्लाह फुल है। और इसका भी देखें, ये देखें, ये भी माशाल्लाह, ये बिल्कुल फुल है। तो ये थी जी हमारी, ये थी जी हमारी वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो आपके काम आएगी। दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। ये सबसे सस्ता और बेहतरीन तरीका है परिंदों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए। ये हर एज के परिंदे को आप करवा सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अच्छी लगे तो शेयर लाजमी कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि।